हाँ जी, न्यू चैप्टर आज स्टार्ट करना था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं ये चैप्टर जो है वो दो पार्ट में आपको कराऊंगा। फर्स्ट पार्ट हम आज शुरू करेंगे, सेकंड पार्ट हम एक या दो क्लास के बाद शुरू करेंगे। दो पार्ट मैंने इसलिए इसके रखे हैं क्योंकि सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का कंसेप्ट बताऊँगा, सेकेंड पार्ट में हम इसकी टेक्निकल जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो प्रेजेंटेशन जो एक्चुअल में एग्ज़ाम में देना होगा उसके बारे में बात करेंगे। बट आज के क्लास में हम प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं करेंगे, हम सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। क्या टेक्निकल डेफिनेशन है उन पे फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर आखिर में है क्या। कुछ बातें जो आज मैं बताऊँगा हो सकता है वो आपकी बुक में लिखी बातों से डिफरेंट हो, बट आज मेरा कोई भी ऐसा फोकस या आज मेरा कोई भी ऐसा पर्पस नहीं होगा कि मैं बुक में लिखी बातों से अपनी बातों को मैच कराऊं। आज हम सिर्फ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कंसेप्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें ये समझना है कि ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक्चुअल में है क्या, करना क्या होगा इसमें, हमें क्या इसका मतलब होता है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स जो हैं वो पहले तो दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड और एक हमारे पर्सनल स्टैंडर्ड्स। क्या मतलब है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और क्या मतलब है पर्सनल स्टैंडर्ड्स का, वो समझ लें। स्टैंडर्ड भी आपको क्या होता है इसी से समझ में आ जाएगा। आपके सीए के एग्ज़ाम में आपको पास मरने के लिए कुछ मिनिमम नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है ना। अगर आप नंबर लेकर आएंगे तो आप पास होंगे और अगर वो नंबर नहीं आप लेकर आएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है आपको सीए एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए? 50% एग्रीगेट, 50% इंडिविजुअल सब्जेक्ट, 40% एग्रीगेट, 50%। अच्छा, क्या मतलब है इस 50% का? इंस्टीट्यूट को ऐसा लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट 100 मार्क के पेपर में से 50 मार्क्स भी अगर वो अचीव कर लेता है तो उसमें सीए बनने की जो टेक्निकल जो नॉलेज है वो उसके अंदर है, 100 पूरे लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो 50% मार्क्स भी ले आता है तो इंस्टीट्यूट को क्या लगता है कि उसमें इतनी नॉलेज, इतना उसके अंदर समझ आ गई है कि वो सीए बन सकता है, वो आपको पास कर देता है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इंस्टीट्यूट ने एक स्टैंडर्ड बनाया कि कोई भी स्टूडेंट 50% मार्क्स अगर ले आएगा तो क्वालिफाइड हो जाएगा। दिस इज ए स्टैंडर्ड, ये हमारे लिए एक स्टैंडर्ड हो गया। अच्छा, दुनिया के जितने भी एग्जाम में सबके अंदर 50% मार्क्स लाने पड़ते हैं क्या पास होने के लिए? नहीं। अगर आप सीबीएसई एग्जाम की बात करेंगे तो वहां पर अगर कोई स्टूडेंट 33% मार्क्स लेकर आ जाता है आउट ऑफ 100, 33 मार्क्स उसके हर पेपर में आ जाते हैं तो सीबीएसई स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो स्टूडेंट एलिजिबल है प्रमोट होने के लिए। DU एग्जाम, उसमें एग्रीगेट 40%, अगर आप 40% मार्क्स ले आते हैं इट मीन्स आप अगले स्टैंडर्ड में प्रमोट होने के लिए एलिजिबल हैं। मतलब DU का स्टैंडर्ड है 40% मार्क्स वाला स्टूडेंट पास होगा, आपके CBSE का स्टैंडर्ड है 33% मार्क्स वाला स्टूडेंट क्लियर होगा, आपके CA के अंदर स्टैंडर्ड है 50% मार्क्स वाला स्टूडेंट क्लियर होगा, और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम है जिनके स्टैंडर्ड और भी चेंज होते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ये जो मैंने आपसे डिस्कस की ये है इंस्टीट्यूट्स के स्टैंडर्ड जिसको क्लियर करने से बच्चा पास हो जाता है, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड का मतलब है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो डिजायर्ड, ये वैल्यू, ये कुछ नॉर्म्स हैं जो कि फुलफिल होने चाहिए, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है किसी भी स्टूडेंट से कि वो जिस भी टाइप के एग्जाम में उसका जो नॉर्म्स बनाया गया उस नॉर्म को कम से कम अचीव करे। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ? मैं निकालूं, स्टैंडर्ड का मतलब है कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन है जिनको सेटिस्फाई किया जाना है। इसको मैं अगर कैटेगरी में डिवाइड करूं तो इसको बोल सकता हूं ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं। इंडस्ट्री, डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड्स हैं। सीए एग्जाम का स्टैंडर्ड 50% है, सीबीएसई एग्जाम का स्टैंडर्ड 33% है, डीयू एग्जाम का स्टैंडर्ड 40%, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो गए। अच्छा, एक और चीज है, हो सकता है मेरा अपने स्टूडेंट से कुछ डिफरेंट एक्सपेक्टेशन, ठीक है,
सीए इंस्टीट्यूट ने बोला कि 50% मार्क्स अगर आ जाते हैं तो हम आपको क्लियर कर देंगे, मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट के हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है और आप प्रमोट हो जाएंगे। बट हो सकता है मेरे इंस्टीट्यूट लेवल पे मेरी एक्सपेक्टेशन अपने स्टूडेंट से थोड़ी सी डिफरेंट हो सकता है, मुझे ऐसा लगे कि मेरे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं वो एटलीस्ट 70% मार्क्स तो कॉस्टिंग में लेकर आने ही चाहिए। तो अगर वो 70% मार्क्स लेकर आ रहे हैं, मैंने कोई टेस्ट लिया और 70% मार्क्स अगर आ गए तो फिर मैं सेटिस्फाई मानूंगा कि हाँ जी भाई मेरे जो उस पढ़ाए हुए स्टूडेंट है वो ठीक परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो इससे कम लेकर आते हैं तो मुझे डिससेटिस्फेक्शन होगा, अगर इससे ज़्यादा लेकर आते हैं तो मुझे और ज़्यादा हैप्पीनेस और ज़्यादा खुशी मिलेगी। ठीक है, तो ये जो हुआ ये 70% ये मेरा क्या हो गया, पर्सनल स्टैंडर्ड। इंडस्ट्री तो कहती है कितना 50% अचीव कर लो तो काफ़ी है, लेकिन मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन क्या है, 70% अगर मार्क्स स्टूडेंट का है तो वो सेटिस्फैक्ट्री है। अच्छा, दूसरी बात ये तो हो गई स्टैंडर्ड्स की, क्या स्टैंडर्ड कोई भी रेलेवेंस रखते हैं अगर उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर ना किया जाए। आप सीए के एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं बट कभी एग्जाम देते नहीं है, सीए इंस्टीट्यूट ने स्टैंडर्ड बना रखा है 50% मार्क्स जो स्टूडेंट लेकर आएगा उसे पास कर दिया जाएगा, बट आप डर रहे हैं, आपने एग्जाम दिया नहीं, क्या इस स्टैंडर्ड की कोई रेलेवेंस है? मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट 70% मार्क्स लेकर आए बट मैं कभी टेस्ट लेता नहीं, कभी मैं आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस, आप एक्चुअल क्या कर रहे हैं परफॉर्मेंस को जज करने की कोशिश नहीं करता, तो क्या मेरा बनाया हुआ स्टैंडर्ड कोई भी मीनिंग रख रहा है? ध्यान रखना, स्टैंडर्ड का मीनिंग ही तब है जब इसे एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाए। अगर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस से स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को कंपेयर नहीं कर रहे हैं तो उसका बनाना ना बनाना वेस्ट है, कोई फायदा नहीं है उसका। और अगर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उसके अंदर वेरिएशंस नजर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने 70 मार्क्स अपने स्टूडेंट के लिए स्टैंडर्ड बनाया चेक करने के लिए कि सच में ये काम हो पा रहा है, स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उनका टेस्ट लेना पड़ेगा। अच्छा, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उन सबका टेस्ट लिया, किसी के आए 72, किसी के आए 65, किसी के आए 82, किसी के आए 50। अब मैं अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर करूंगा तो मुझे पता चलेगा कौन से बच्चे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से बच्चे ऐसे हैं जो बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग इस परसेंटेज को क्रॉस कर जाएंगे जितना ज़्यादा उतना एडवांटेज है, उतना मुझे ज़्यादा खुशी होगी, और जो इससे कम परफॉर्म करेंगे जितना ज़्यादा उतना डिसएडवांटेज है। जैसे कि 72 वाले से अगर मैं कंपेयर करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन को इसने 2% इवन ज़्यादा क्रॉस कर दिया, तो मुझे ये मेरे लिए एडवांटेज वाली बात है, स्टूडेंट के लिए भी एडवांटेज वाली बात है। यहाँ पर उसने जो मेरा स्टैंडर्ड था उससे 5 मार्क्स पीछे रहे, वेरिएशन आ गया इसके अंदर, तो मुझे इसको थोड़ा सा सजेस्ट करना पड़ेगा कि तुम अगर करो थोड़ी सी मेहनत तो और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। देखो, दूसरे बच्चे के 72% मार्क्स आए, तुम्हारे भी आ सकते थे, तुम थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है ना, मोटिवेट किया जा सकता है। आप उसे एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर कर रहे हैं, अपने स्टैंडर्ड से, और उसके बाद उसमें डेविएशन है उसके कारण उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की जा रही है। अब इसके यहाँ पे कितने हैं, इसके 12% फालतू है, इसको और ज़्यादा मोटिवेट और इवन इससे और ज़्यादा बाकी लोगों को मोटिवेट किया जाएगा। इसे इसके जो स्टैंडर्ड हमने बनाया था उससे 20% लेस है। ये जो हमने एनालिसिस किया इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट रेलेवेंस है फ्यूचर प्रोग्रेस में, ये मोटिवेट करेगा आगे हमें और अच्छा परफॉर्म करने के लिए। ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें यही वेरिएशंस निकालने, हमारे पास एक स्टैंडर्ड होगा, एक हमारा कुछ एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी, एक हमारे कुछ नॉर्म्स होंगे जो हमें पहले से पता होंगे, फिर उन नॉर्म्स को अचीव करने के लिए हम परफॉर्म करेंगे, हमारी कोशिश होगी कि जो नॉर्म्स बनाए गए हैं वो नॉर्म्स जो हैं वो हम अचीव कर लें। बट 100% गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं है, आप उससे कम या ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं।
जितना भी कम या ज्यादा परफॉर्म किया गया, एक्चुअल परफॉर्मेंस के बाद ही ये चेक हो पाएगा कि आपने जो स्टैंडर्ड बनाया गया था उसको सेटिस्फाई किया या नहीं किया। तो जो हमारा स्टैंडर्ड है उसके बाद हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी, और इसके बीच का जो डिफरेंस होगा, ये जो वेरिएशन होगा, उसके लिए हम कोशिश करेंगे जानने की किन रीज़न से ये वेरिएशन आया। एक तो दूसरा, जितने भी नेगेटिव वेरिएशन होंगे उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। ठीक है, तो इस चैप्टर का पूरा क्रक्स है वो ये है, दो चीज़ें हमें सिर्फ कंपेयर करनी है पूरे एक चैप्टर के अंदर, सिर्फ दो चीज़ें कंपेयर करनी है। एक, हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए, दूसरा एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हुई है, और तीसरा उसको कंपेयर करके जानना पड़ेगा कि उसमें कितना डेविएशन है, कितना उसके अंदर डिफरेंस है, कितना उसमें वेरियंस है, और इसी को बाद में हम एलोबरेट करेंगे, इसी को बाद में हम और ज़्यादा फर्दर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो पूरे चैप्टर का क्रक्स तो समझ में आ गया। इस चैप्टर के अंदर दो चीज़ें हैं, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एक है, दूसरा एक्चुअल परफॉर्मेंस है। ठीक है, अब आ जाते हैं इस चैप्टर के अंदर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना है। ये तो मैंने बात एग्जांपल की आपके एक एग्जामिनेशन पैटर्न की समझाने के लिए कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टैंडर्ड एक्चुअल में होते क्या हैं। अब बिजनेस में इसका क्या रेलेवेंस है, बिजनेस में अगर देखें तो हम बिजनेस किस लिए करें, क्या हमारा मोटिव है बिजनेस करने का, कुछ मोटिव के साथ ही हमने बिजनेस स्टार्ट किया होगा ना। क्या मोटिव होता है हमारा बिजनेस करने का, प्रॉफिट अर्न। तो सबसे पहला जो हमारा स्टैंडर्ड, सबसे पहले जो हमारी एक्सपेक्टेशन होगी वो किससे जुड़ी होंगी, प्रॉफिट से जुड़ी होंगी। हम एक अपना टारगेट फिक्स करते हैं, नॉर्मली कोई भी काम करते हैं तो उससे आपको कुछ एक्सपेक्टेशन होते हैं। आप जॉब भी करने जाते हैं तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं कि कहीं पे जॉब करने जा रहे हैं तो कम से कम इतनी सैलरी, इतना रेम्यूनरेशन हमें मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो हमारे प्रॉफिट की हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं कि हम इस साल जो न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ये जो आपकी एक्सपेक्टेशन है ये हमारी बन जाएगी स्टैंडर्ड। ठीक है, अच्छा ये जो प्रॉफिट है वो किन बातों पे डिपेंडेंट है, दो बातों पे डिपेंडेंट है प्रॉफिट, दो चीज़ों के कंपैरिजन से ये निकलेगा। नंबर वन, आप रिवेन्यू कितना जनरेट कर पा रहे हैं, सेल्स आपकी कितनी है। दूसरा, उसकी कॉस्ट कितनी है, इसका डिफरेंस ही तो प्रॉफिट होगा। सेल्स रिवेन्यू में से अगर अपनी कॉस्ट आप माइनस कर देंगे तो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट है वो दो चीज़ों पर डिपेंडेंट है, सेल्स पे और कॉस्ट पे। खास बात ये जो कॉस्ट है उसके भी तीन एलिमेंट हैं, तीन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से कॉस्ट टोटल बनती है। एक तो मटेरियल के ऊपर आपकी कॉस्ट लगती है, मटेरियल परचेज करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसकी एक कॉस्ट होगी, दूसरा लेबर कॉस्ट होगी, और तीसरा आपके अदर एक्सपेंस होंगे जिनको क्या आप बोलते हैं, ओवरहेड्स। ध्यान रखना इसमें से कोई भी एक एलिमेंट अगर चेंज हुआ, कोई भी एक एलिमेंट चेंज हुआ उसका सीधा इम्पैक्ट आपके प्रॉफिट पे पड़ेगा। आपने सोचा था 1 करोड़ रुपए का सामान बेचेंगे, बिका आपका 80 लाख का सामान, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी चेंज हो जाएगी। एग्जांपल मैं डाल देता हूँ, उससे मैं कहता हूँ कि हमने यहाँ पे 1 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो टारगेट किया, इस साल हमें 1 करोड़ रुपये कमा लेंगे। कैसे कमाए जाएंगे, ऑब्वियसली सेल्स और कॉस्ट दोनों का डिफरेंस होगा। अज्यूम कर लेता हूँ कि हमने सोचा कि हमारी 5 करोड़ जो है वो कॉस्ट सेल्स होगी, और टोटल कॉस्ट क्या होगी, 4 करोड़ रुपीज। ये जो 4 करोड़ रुपीज कॉस्ट होगी इसमें 2 करोड़ मटेरियल पे लगेंगे, 1 करोड़ लेबर होगी, और 1 करोड़ के ओवरहेड्स होंगे। अच्छा, ये जो ओवरहेड्स होंगे इनको भी आगे फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ ओवरहेड ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड इन नेचर होते हैं, कुछ ओवरहेड ऐसे होते हैं जो वेरिएबल इन नेचर होते हैं। मैं अज्यूम कर लेता हूँ उससे 50 लाख हमने अज्यूम किया है फिक्स है, और 50 लाख ही हमारे वेरिएबल है, तो यहाँ पे आके टोटल हमारा एक्सपेंस कितना हो जाएगा, 1 करोड़। ये ध्यान रखना, ये सारी के सारे वैल्यूज जो है वो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ये हमारे बजट या स्टैंडर्ड हो सकते हैं। वैसे बजट और स्टैंडर्ड में फ़र्क होता है,
बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैं दोनों के लिए एक ही कॉमन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बजट या स्टैंडर्ड है ये हमारा। तो हमें लगता है कि हम 1 करोड़ रुपये कमाएंगे, कैसे कमाएंगे, 5 करोड़ रुपये का सामान बिकेगा, 4 करोड़ रुपये हमारी कॉस्ट होगी। ये कॉस्ट जो होगी कैसे निकाली हमने, 2 करोड़ रुपीज़ मटेरियल में, 1 करोड़ रुपीज़ लेबर में, 1 करोड़ रुपीज़ ओवरहेड्स में, और इसके भी 2 पार्ट है, फिक्स एंड वेरिएबल। अब ध्यान रखना, इसमें से कोई भी अगर वैल्यू मैंने बदली, उसका सीधा असर मेरे प्रॉफिट। अगर बाय चांस मैं कहूँ मेरी लेबर कॉस्ट 1 करोड़ की बजाय 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ हो गई, मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी और प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। सेल्स मेरी चेंज हो जाए, सेल्स मेरी 5 करोड़ की जगह 4 करोड़ 90 लाख हो जाए, तो ऑब्वियसली मेरी सेल कम होगी, बाकी सारे फैक्टर अगर सेम भी रहे तो मेरा प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, हमें जितने भी ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारे प्रॉफिट पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, उन सभी का डिटेल एनालिसिस करेंगे कि कौन से फैक्टर से हमारे इस प्रॉफिट पे कितना चेंज होगा। एक चीज समझ लेना, कोई भी बजट जो आप बनाते हैं 99.99% चांस है वो एक्चुअल में परफॉर्म नहीं हो सकता, एकदम एक्यूरेट परफॉर्म नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस जरूर होते हैं। बजट एक्सपेक्टेशन है और 100% एक्सपेक्टेशन कभी भी पूरी नहीं होती, तो जब भी आप बजट बना लेंगे उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस से इसे कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस है, और आप हर एक डिफरेंस में कॉज को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कौन सी जगह पे कितना डिफरेंस आया और उसका रीज़न क्या है। अगर वो आपके लिए फेवरेबल है, अगर उससे आपको फ़ायदा हुआ है, लाइक अगर मेरी सेल्स 5 करोड़ की बजाय 6 करोड़ हो जाए, तो उसी फायदे को आगे रिपीट करने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट ईयर उस एडवांटेज को और मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, और अगर हमें पता लगा कि हमें कुछ एडवर्स इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ा है, कुछ डिसएडवांटेज हमें मिला है, तो कोशिश करेंगे उसका एनालिसिस करके नेक्स्ट ईयर वो रिपीट ना हो पाए। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम इतने सारे एनालिसिस करने वाले हैं, प्रॉफिट का एनालिसिस करेंगे, सेल्स का एनालिसिस करेंगे, कॉस्ट के एनालिसिस करेंगे, और कॉस्ट में हमें मटेरियल का एनालिसिस अलग करना है, लेबर का अलग करना है, ओवरहेड्स का अलग करना है, ओवरहेड के भी 2 पार्ट है, फिक्स एंड वेरिएबल, सबका एनालिसिस अलग अलग करना है। एनालिसिस करने के लिए आपके बुक में बहुत सारे फार्मूले गिवन है, बट आज मैंने बोला आपको कि फार्मूलों की बात नहीं करेंगे, बुक की कोई बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे सिर्फ कंसेप्ट की। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना आ जाएगा, बट फार्मूला जो उसका सॉल्व करने का वो मैं आज डिस्कस नहीं करूँगा, फार्मूले की बात अभी नहीं करेंगे, आज सिर्फ कंसेप्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अब इसके क्वेश्चन जो है उससे मैं सारा का सारा ये जो वेरिएशन, सारा का सारा जो एनालिसिस करने का तरीका है उसकी बात करते हैं। हाँ जी, करें अब आगे कंटिन्यू। आगे अब फर्दर समझाने के लिए मैंने एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है वो CA एग्ज़ाम में आ चुका है, पूरा क्वेश्चन नहीं है, उसका एक्सट्रैक्ट है। यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, स्टैंडर्ड एक बनाया गया है, मटेरियल से जुड़ा हुआ है ये स्टैंडर्ड, और इसके अंदर फॉर 10 kgs ऑफ आउटपुट, 10 kg जो आउटपुट हमारा होगा, जो हमें 10 kgs ऑफ फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा, उसके लिए 2 टाइप के रॉ मटेरियल की नीड है, एक रॉ मटेरियल A है और एक रॉ मटेरियल B है। रॉ मटेरियल A जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो 8 kgs की ज़रूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल B जो है वो 4 kgs की रिक्वायरमेंट है। ध्यान रखना ये हमारा स्टैंडर्ड है, ये हमें लगता है कि काम करेंगे तो इतना मटेरियल लगेगा, एक्चुअली इतना मटेरियल लगे कोई गारंटी नहीं है, एक्चुअल में मटेरियल कम या ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जो काम होगा, जो पास्ट एक्सपीरियंस है उससे हमने एक स्टैंडर्ड निकाला है कि जो काम होता है उसमें 8 kg मटेरियल A और 4 kg मटेरियल B लगता है। और हमारे पास्ट जो एक्सपीरियंस है, पास्ट में हमने जो रेट देखा उसके हिसाब से हमें लगता है कि इस साल जो मटेरियल हमें मिल जाएगा 6 रुपये kg के अंदर मटेरियल A हम खरीद पाएंगे और 4 रुपये kg के अंदर मटेरियल B। लेकिन फिर से मैं बता दूं, ये एक स्टैंडर्ड है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, कल को मार्केट में फ्लक्चुएशन हो सकता है, जो मटेरियल A और मटेरियल B है वो मार्केट में सस्ते या महंगे हो सकते हैं। तो ये तो हमने बनाया है एक अपना एक स्टैंडर्ड, अब देखते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस हमने क्या की। एक्चुअल में हमने 1000 kgs जो है वो प्रोड्यूस किए, आपका जो स्टैंडर्ड था वो 10 kgs का था और एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है वो 1000 kgs की है। सबसे पहले तो एक बात समझ लेना,
कि जब तक आपका स्टैंडर्ड जो है वो एक्चुअल के इक्वल ना हो जाए तब तक आप इसको यूज नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड हमारा है 10 kg का, एक्चुअल आउटपुट कितना है 1000 kg, तो ये डायरेक्टली कंपेरेबल नहीं है। हमें इस पूरे चैप्टर में सिर्फ क्या करना है, एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है और जानना है कि बीच में कितने का डिफरेंस है, उसके कौन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं। लेकिन कंपेयर करने की प्री कंडीशन हमेशा ये होगी कि जो स्टैंडर्ड बनाया है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है दोनों एक लेवल की होनी चाहिए। अगर आपका स्टैंडर्ड 1200 kg का है और एक्चुअल परफॉर्मेंस 900 kg हुई है तो ये कंपेरेबल नहीं है। अगर आपका स्टैंडर्ड 1000 kg का है, एक्चुअल परफॉर्मेंस 1200 kg का है, ये कंपेरेबल नहीं है। स्टैंडर्ड आपका 1200 kg का है, एक्चुअल परफॉर्मेंस भी 1200 kg का है, तभी कंपेयर हो पाएगा। तो जब तक स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों इक्वल ना हो, दोनों इक्वल आउटपुट ना दे रहे हों, तब तक वो कंपेरेबल नहीं है। तो पहली बात, ये जो स्टैंडर्ड है वो डायरेक्टली अभी फिलहाल एक्चुअल से कंपेयर नहीं हो सकेगा। मुझे ऑलवेज स्टैंडर्ड को इस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा कि वो एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में डिटेल दे सके। अच्छा, फिर हमें देखते हैं कि इसमें वैसे एक्चुअल में हुआ क्या। एक्चुअल में हमें रॉ मटेरियल ए जो जरूरत पड़ी फॉर 1000 kg, वो 750 kg की जरूरत पड़ी। रेट जब देखें तो आपको पता चलेगा रेट में फर्क हो गया है। हमने सोचा था 6 रुपये kg में मिलेगा, एक्चुअल में हमें मिला कितने का है, 7 रुपये kg में। इससे हमारी कॉस्ट डेफिनेटली चेंज होगी। दूसरा, यहाँ पे अगर देखें बी मेटल, उसकी हमने 500 kg इन टोटल परचेज की है, एक्सपेक्टेड प्राइस जो था वो हमारा 4 रुपये का था और जबकि हमें मिला कितने में है, वो 5 रुपये में। यहाँ पे भी एक्चुअल परफॉर्मेंस बदल गई है और उसका सीधा इम्पैक्ट आपके प्रॉफिट पे पड़ेगा। तो सबसे पहले कंपेरिजन शुरू करने से पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे अपनी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें? स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी के कंपैरिजन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ, सिर्फ इस टेबल से हम सारी की सारी फ्यूचर कैलकुलेशन कर पाएंगे। और इस टेबल में टोटल 5 कंटेंट की हमें अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो हमारा सारा का सारा वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। किसी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है बस मैं उसी इन्फॉर्मेशन को, मोस्टली इन्फॉर्मेशन हमारी रेडी होगी, कुछ एक इन्फॉर्मेशन अगर रेडी नहीं होगी तो रेडी करके हम एक बार रख लेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन में, उसके बाद इसके प्रोसीजर में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे नीडेड है, 5 चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। एक तो रॉ मटेरियल ए के लिए होंगी वो चीज़ें और दूसरी रॉ मटेरियल बी के लिए। सबसे पहले मुझे चाहिए एक्चुअल प्राइस, क्या रेट मुझे इस क्वेश्चन के अंदर सामान मिला, या पहले लिख देता हूं मैं स्टैंडर्ड प्राइस। हाँ जी, स्टैंडर्ड प्राइस हमारा क्या है, हमें ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें इसके लिए कोई भी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, मोस्टली इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। जो स्टैंडर्ड प्राइस इस क्वेश्चन में था, जिस रेट पे हमें सामान मिलना चाहिए था, वो ए मिलना चाहिए था 6 रुपीज़ और जो बी मिलना चाहिए था वो मिलना चाहिए था 4 रुपीज़। अब बता दिए एक्चुअल रेट, एक्चुअल प्राइस आपको क्या देना पड़ा। एक्चुअल प्राइस भी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, मैं सिर्फ टेबल में अरेंज कर रहा हूँ। 7 रुपीज़ kg के हिसाब से ए मिला और 5 रुपीज़ kg के हिसाब से बी मिला। तीसरी इंफॉर्मेशन, एक्चुअल क्वांटिटी मैंने कितनी खरीदी, ये भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, सिर्फ मैं टेबल में डाल रहा हूँ अपना काम आसान करने के लिए। मुझे एक्चुअल जो केजी परचेज करने पड़े, और ध्यान रखना ये एक्चुअल केजी 1000 kg के लिए है, आउटपुट के लिए 750 और 500। यही 1000 kg आउटपुट के लिए एक चीज और मुझे चाहिए, एक एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड क्वांटिटी। खास बात है मेरे पास 1000 kg के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है, मेरे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी अवेलेबल तो है बट फॉर ओनली 10 kg के। तो एक चीज ध्यान रखनी है, कंपैरिजन तभी हो सकता है जब दोनों सेम हो, तो इसलिए क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी 1000 kg ऑफ आउटपुट है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी 1000 kg ऑफ आउटपुट होना जरूरी है, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर 10 kg के लिए, 10 kg के आउटपुट के लिए 8 kg ऑफ रॉ मेटेरियल रिक्वायर्ड है, तो 1000 के लिए 100 टाइम्स फालतू चाहिएगा और ये हो जाएगा 800 kg। ठीक है, ये 10 kg के लिए 4 kg की रिक्वायरमेंट थी, हम बना रहे हैं 10 की बजाय 1000, 10 टाइम्स मोर, तो हमारी जो नीड होगी वो भी 10 टाइम्स मोर हो जाएगी। और 10 टाइम्स मोर होने का मतलब ये हो जाएगा 400 kg। अच्छा, टोटल मेरी कितनी क्वांटिटी हुई है, या मैं क्वांटिटी का टोटल सिर्फ और कर लेता हूँ,
मेरी क्वांटिटी जो यूज हुई है वो हुई है 1250 kgs, और होनी कितनी चाहिए थी, वैसे होनी चाहिए थी जो हमारा बजट कहता है कि बजट के हिसाब से चले होते तो यह काम कितने केजीज में हो जाता, 1200 kgs। एक कॉलम इसमें और बनेगा, उसकी बात मैं बाद में करूँगा, सबसे पहले इतना एनालिसिस हम कर लेते हैं। ये तीनों कॉलम जो हैं बाद में 1000 kg के लिए होंगे, बट फिलहाल इतने कॉलम की बात करते हैं, इतना एनालिसिस करते हैं, फिर लास्ट कॉलम किस लिए है उसकी बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारा एक्चुअल और जो हमने बजट बनाया उसमें कोई वेरिएशन है या नहीं है। कोई पार्ले हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ सीधा आंसर निकालेंगे, सीधा इसके अंदर बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हमने ये जो काम किया बजट के अकॉर्डिंग उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए थी। हम देखते हैं हमारी कॉस्ट में कोई फ़र्क तो नहीं है, इसे बोल सकता हूँ मैं कॉस्ट वेरियंस, कॉस्ट में कोई फ़र्क तो नहीं है। तो हमारा ये काम जो हमने स्टैंडर्ड बनाया था उसके हिसाब से जरा सोचते हैं कि कितना होना चाहिए था। हमने जो स्टैंडर्ड बनाया था 1000 केजी आउटपुट के लिए, तो हमारा स्टैंडर्ड कह रहा था कि हमें रॉ मटेरियल एक तो ए चाहिए, दूसरा रॉ मटेरियल बी चाहिए। रॉ मटेरियल ए जो चाहिए उसकी 800 केजीज हमें खरीदने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल बी जो है उसके कितने खरीदने पड़ेंगे, 400 केजीज, ठीक है ना। ये सामान कितने का आएगा, कॉस्ट जानी ना, तो ये सामान जो 800 केजी आपने खरीदा वो आपके हिसाब से बजट के हिसाब से कितने का मिलना चाहिए था, बजट के हिसाब से मिलना चाहिए था 6 rupees का, ठीक है ना, ए जो है। और जो बी है वो कितने का मिलना चाहिए था, बी जो मिलना चाहिए था वो मिलना चाहिए था 4 rupees का। ये है जो आपका बजट था। 1000 kg बनाने के लिए 800 kg ए की होंगी 6 rupees के हिसाब से, बजट के हिसाब से 6 rupees के हिसाब से, 400 kg बी के होंगे 4 rupees के हिसाब से। तो मैंने ये बजट अपना एक तरह से यहाँ पे लिख दिया जो कि एक्चुअल में स्टैंडर्ड है। अब देखते हैं क्या एक्चुअल में भी ये हुआ, नहीं एक्चुअल में ये नहीं हुआ। एक्चुअल में हमें 800 की बजाय ए की कितनी क्वांटिटी यूज़ करनी पड़ी, ए की हमने क्वांटिटी जो यूज़ की वो 750 kg यूज़ किए, जो कि कितने के पड़े हमें, मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसे। रेट भी फर्क था, एक्चुअल जो हमारा रेट पड़ा, एक्चुअल कॉस्ट जान रहे हैं हम, एक्चुअल रेट हमारा पड़ा 7 rupees। बी सोचा तो था 400 लगेगा, लेकिन खरीदना कितना पड़ा हमें, 500, तो एक्चुअल में 500 kg हमारे लगे, और उसके अंदर हमें कॉस्ट भी ज़्यादा देनी पड़ी है। अब ये जो करंट कॉस्ट जिस पे हमने सामान खरीदा है वो क्या रेट पड़ा, 5 rupees। देखते हैं कि हमारा बजट कितने का था और एक्चुअल कितने का हुआ। तो बजट था 800 मल्टीप्लाई बाय 6, 4800, और उसके अलावा इसके अंदर 1600 और बी के लिए, तो टोटल ये वैल्यू आती है 6400। तो हमारा बजट कह रहा था कि 6400 में काम हो जाएगा, एक्चुअली ये काम कितने में हुआ, 750 मल्टीप्लाई बाय 7, 5250 प्लस 2500 बी के ऊपर भी खर्च हुए, एक्चुअल ये काम जो हमारा हुआ वो 7750 में हुआ। काफ़ी कॉस्ट हमारी बढ़ गई है, हमने सोचा था ये काम 6400 में होगा, बजट जो बनाया था उसमें 800 पीस लगने चाहिए थे 6 rupees वाले, 400 पीस लगने चाहिए थे 4 rupees वाले, लेकिन एक्चुअल में, एक्चुअल और बजट में तो फ़र्क होता है, एक्चुअल में क्वांटिटी में भी फ़र्क आ गया और रेट में भी फ़र्क आ गया, और मेरी टोटल कॉस्ट हो गया 7750। अगर मैं डिफरेंस निकालूँ इसमें से तो पता चलेगा कि टोटल जो डिफरेंस इसके बीच में है वो है 1350। अच्छा बताओगे 1350 पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कंपनी की ये थी एक्सपेक्टेड कॉस्ट और ये आई है एक्चुअल कॉस्ट, और एक्चुअल कॉस्ट एक्सपेक्टेड कॉस्ट से ज़्यादा आई है, इसलिए हम बोलेंगे कि भाई ये कंपनी के लिए क्या लॉस हो गया। लॉस को क्या हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे, ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ए मीन्स एडवर्स। कंपनी को पूरे 1350 rupees की एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो इनकर करनी पड़ी। अब बात करते हैं कि ये 1350 rupees की कॉस्ट किस वजह से फालतू हुई। अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आप सब दो ही फैक्टर यूज़ कर रहे हैं, या तो क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं और या रेट यूज़ कर रहे हैं। ये जो कॉस्ट में डिफरेंस है दोनों ही फैक्टर के कारण हो सकते हैं, क्वांटिटी के कारण भी हो सकता है, रेट के कारण भी, इवन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण भी। अब हम इसमें एक एक करके दोनों फैक्टर को चेक करेंगे कि कितना इसमें इम्पैक्ट रेट ने डाला, जो 1350 rupees हमारी कॉस्ट बढ़ी है उसमें से कितनी कॉस्ट हमारी रेट के कारण बढ़ी है और कितनी कॉस्ट हमारी
क्वांटिटी जो आपने यूज़ किया उसके कारण पड़ी। तो सबसे पहले बात करते हैं रेट के कारण, रेट माने प्राइस के कारण कितना इम्पैक्ट पड़ा। बाद में हम एनालिसिस करेंगे क्वांटिटी आपने चेंज की है उसके कारण कितना इम्पैक्ट पड़ा। एक चीज़ इसमें और समझ लेना, जब भी आप कंपैरिजन करेंगे, फर्दर एनालिसिस करेंगे, तो जिस चीज़ का एनालिसिस करेंगे सिर्फ उसी की बात करेंगे, दूसरे फैक्टर को स्टेबल कर देंगे, दूसरे फैक्टर के इम्पैक्ट को, दूसरे फैक्टर के इम्पैक्ट को इसमें ऐड नहीं करेंगे। राइट नाउ मैंने दोनों फैक्टर जो मैं यूज़ कर रहा था अलग अलग कर लिया है, एक प्राइस और एक क्वांटिटी। तो जब मैं प्राइस फैक्टर का इम्पैक्ट देखूंगा तो क्वांटिटी के अंदर वेरिएशन को मैं नहीं देखूंगा। जब मैं क्वांटिटी का इम्पैक्ट चेक करूंगा तो मैं प्राइस में जो डिफरेंस है उसकी तरफ ध्यान नहीं दूंगा। तो सबसे पहले प्राइस को चेक करते हैं, प्राइस ने कितना असर डाला। दो रॉ मटेरियल थे, एक ए था और एक बी था। प्राइस को मैं चेक कर रहा हूं इसलिए सबसे पहले मैं क्वांटिटी का इम्पैक्ट हटा रहा हूं, क्वांटिटी की तरफ मैं डिफरेंस ध्यान नहीं दूंगा। मैंने कितनी क्वांटिटी खरीदी, ऑब्वियसली प्राइस का इम्पैक्ट जो आप परचेज करेंगे उसी पे लगेगा। जो आपने सोचा उससे आपकी कॉस्ट बढ़ती या घटती नहीं है, जो आपने खरीदा उससे आपकी कॉस्ट बढ़ती या घटती। मैंने सोचा 50,000 पीस मैं खरीदूंगा, खरीदने गया सिर्फ 2,000 पीस, तो मेरा जो भी असर, जो भी मेरे पर फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा वो सोचा 50,000 उसके कारण नहीं पड़ेगा, जो मैंने एक्चुअल में खरीदा उसके कारण पड़ेगा। तो एक चीज़ तो ध्यान रख लेना, जब भी आप प्राइस का इम्पैक्ट निकालेंगे तो अपनी क्वांटिटी स्टेबल कर देंगे। दो क्वांटिटी हैं, इसमें से जो एक्चुअल आपने किया उसको ले लेंगे। एक्चुअल आपने क्या लिया, 750 केजी तो आपकी ए की है और 500 केजी आपने बी के एक्चुअल में परचेज किया, ठीक है। अब देखते हैं प्राइस आपके फेवर में था या आपसे एडवर्स था। प्राइस जो हमने सोचा था, प्राइस का इम्पैक्ट देखना, प्राइस हमने सोचा था कि सामान मार्केट में किस रेट पे मिल जाएगा, 6 रुपीज़ के जी, जबकि हमें खर्च कितना पड़ा करना पड़ा, 7 रुपीज़ पर के जी। इसका मतलब 1 रुपी नेगेटिव आपको देना पड़ा, 1 रुपया फालतू आपको खर्च करना पड़ा। 6 रुपये सोच रहे थे, मार्केट में मिला कितने में, 7 रुपये, तो 1 रुपी नेगेटिव। बी जो है वो 4 रुपये का सोच रहे थे, उसके लिए कितना खर्च करना पड़ा, 5 रुपये। इसका ना यहाँ पे भी प्राइस आपसे नेगेटिव है, दोनों ही बार आपको प्राइस के कारण नुकसान हुआ है। अगर हमें सामान मार्केट में कम रेट पे मिल जाता तो हम बोलते हमें प्रॉफिट हुआ, लेकिन दोनों ही बार हमें महंगा सामान बेचा मिला, इट मीन्स हमें लॉस हुआ है। कितने का लॉस यहाँ पे हुआ और कितने का लॉस यहाँ पे हुआ, 750 का लॉस ये है, एडवर्स हुआ। प्लस माइनस की बजाय एडवर्स और फेवरेबल लिखिएगा आप लोग, और यहाँ पे 500 ये भी एडवर्स है, तो टोटल 1250 कंपनी पे नेगेटिव इम्पैक्ट तो प्राइस ने डाला। जो 1350 रुपये आपके फालतू खर्च हुए हैं उसमें 1250 प्राइस रिस्पॉन्सिबल है। अब देखते हैं क्वांटिटी ने कितना इम्पैक्ट डाला। जब मैं क्वांटिटी का इम्पैक्ट देखूंगा तो मैं सबसे पहले प्राइस के डिफरेंस की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, प्राइस को स्टेबल कर दूंगा। दो प्रोडक्ट फिर से हैं, ए और बी, रॉ मटेरियल जो है, प्राइस स्टेबल करने है। प्राइस स्टेबल करने का मतलब क्या है, दो प्राइस हैं, एक्चुअल और स्टैंडर्ड। एक चीज़ ध्यान रखना, एक्चुअल प्राइस साल में 10 बार भी चेंज हो सकता है। एक्चुअल प्राइस 7 रुपये का है, ज़रूरी थोड़ी पूरे साल 7 रुपये, 7 का 7.5, 7.75, कुछ भी हो सकता है। ये कोई फिक्स प्राइस नहीं है, ये पूरे साल चेंज हो सकता है। आपका ये जो स्टैंडर्ड प्राइस है ये फिक्स है, आपका सामान एक्चुअल में महंगा मिले सस्ता मिले, स्टैंडर्ड को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि अब जो मैं प्राइस लूँगा, मैं उस प्राइस के अंदर स्टेबिलिटी चाहता हूँ, प्राइस में डिफ्रेंशिएशन नहीं चाहता। तो मैं प्राइस का इम्पैक्ट ऑलरेडी ले चुका हूँ, अब मैं प्राइस स्टेबल करने के लिए कौन सा प्राइस लूँगा, ऑलवेज जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो मैं सबसे पहले यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ, ये बदलेगा नहीं। 6 रुपये के रेट से ए को खरीदा जाएगा, 4 रुपये के रेट से बी को खरीदा जाएगा, पहले मैंने प्राइस स्टेबल कर दिया। अब देखते हैं क्वांटिटी ने कितना इम्पैक्ट डाला। हमने सोचा था कि प्रोडक्ट ए 800 पीस खरीदेंगे, लेकिन एक्चुअल में कितने से काम चल गया, 750 से काम चल गया। इसका मतलब यहाँ पे आपको 50 पीसेस का फायदा हुआ, ये फेवर में आ गया मेरे, 50 पीस कम में ही सामान बन गया, इसे मैंने प्लस 50 लिखा है। उसके बाद बी की बात करें, हमने सोचा था कि 400 पीसेस में काम हो जाएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 400 पीस थी इस काम को करने की, लेकिन एक्चुअल कितना यूज़ करना पड़ा,
एक्चुअल यूज़ करना पड़ा हमें 500। इसका मतलब यहाँ पे पूरे 100 पीस हमने एक्स्ट्रा कंज्यूम किए, जो कि हमारे लिए नेगेटिव फैक्टर है, इसलिए मैं 100 नेगेटिव कर देता हूँ। क्लियर है? मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करें तो ये फिगर आ जाती है 300 पॉजिटिव, पॉजिटिव माने फेवरेबल, और यहाँ पे आ गया 400 नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब एडवर्स। अगर आप नेट रिजल्ट देखें तो आपको पता चलेगा यहाँ पे 100 एडवर्स है। अगर एक चीज़ और आप ऑब्जर्व करें तो पता चल जाएगा कि अगर मैं इन दोनों को आपस में प्लस करता हूँ तो ये टोटल एडवर्स वैल्यू के बराबर आ रहा है। 1250 का एडवर्स हमारा प्राइस के कारण है, 100 का एडवर्स हमारा क्वांटिटी के कारण है, दोनों को ऐड कर ले तो टोटल एडवर्स हमारा 1350 है। क्लियर है? अच्छा, प्राइस के अंदर तो कोई फर्दर एनालिसिस नहीं, प्राइस तो हमारे हाथ की बात भी नहीं है, मार्केट में जो भाव मिलेगा उसी भाव खरीदना पड़ेगा, लेकिन क्वांटिटी के अंदर आगे फर्दर एनालिसिस हो सकता है कि ये क्वांटिटी कम ज़्यादा क्यों हुई। आप देख रहे हो आपने ए की क्वांटिटी कम यूज़ की है, बी की क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ की है, तो क्वांटिटी में फ़र्क किस वजह से पड़ा, इसका एक फर्दर एनालिसिस हो सकता है। इस फर्दर एनालिसिस को दो नाम दिए जाएंगे, एक तो होगा यील्ड, दूसरा होगा मिक्स। यील्ड जो होता है वो आपकी जो आपने क्वांटिटी यूज़ की, जो यूज़ होनी चाहिए थी उससे कम या ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करने के कारण होता है। नॉर्मली क्वालिटी इन्फीरियर या सुपीरियर की वजह से ये होता है, या आपने लापरवाही की, आपने ठीक से काम नहीं किया, आपको एक्स्ट्रा मटेरियल की ज़रूरत पड़ गई, उसके कारण यील्ड होता है। जरा समझते हैं क्या इसमें यील्ड है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आपका जो बजट था उसके अकॉर्डिंग आपको कितनी क्वांटिटी में टोटल ए और बी की मिला के टोटल कितनी क्वांटिटी रॉ मटेरियल में ये काम हो जाना चाहिए था, आपको ये काम टोटल 1200 केजी में कर लेना चाहिए था, बट किसी वजह से आप ये काम 1200 केजी में टोटल नहीं कर पाए। आपको ये काम करने के लिए कितनी क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ गई, 1250। इसका मतलब यहाँ पर 50 टोटल यूनिट फालतू आपने यूज़ किया है एडवर्स यील्ड में। आप एडवर्स यील्ड का मतलब जो आउटपुट होना चाहिए था उससे कम आउटपुट हो रहे हैं। आपको 1200 केजी के अंदर आउटपुट कर लेना चाहिए था और आपको आउटपुट के लिए कितनी केजी की रिक्वायरमेंट पड़ गई, 1250। इसका मतलब आपकी परफॉर्मेंस वीक थी, आपकी परफॉर्मेंस नेगेटिव थी। अगर यहाँ पे 1200 टोटल केजी की बजाय यहाँ पे 1100 होता, आपकी स्टैंडर्ड कहते थे 1200 केजी में काम होगा और एक्चुअल काम 1100 में कर लिया होता, तब भी ये यील्ड होता, लेकिन ये तब आपके लिए फेवरेबल यील्ड होता। तो एक चीज़ तो मुझे पता चल गई कि यहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस वीक रही है, एफिशिएंसी कंपनी की कम रही है, और 50 यूनिट ज़्यादा कंज्यूम करके आपने वो काम किया, इसका एडवर्स यील्ड निकलेगा, ये तो कन्फर्म हो गया। अब ये यील्ड कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए आपको ज़्यादा कोई टेंशन नहीं करनी है। एक कॉलम मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का बनाया हुआ था, ये जो क्वेश्चन मार्क वाला कॉलम है उसमें हमेशा एक्चुअल क्वांटिटी लिखी जाएगी। टोटल आपने 1250 यूज़ किए, 1250 क्वांटिटी लिखी जाएगी, लेकिन ये 1250 की जो क्वांटिटी आपने लिखी है उसको आप उस रेशो में लिखेंगे जिस रेशो में स्टैंडर्ड हमने बनाया था। अगर आप ध्यान से देखें तो स्टैंडर्ड कहता है कि आपको ये जो क्वांटिटी, चाहे आपने कम क्वांटिटी यूज़ की चाहे आपने ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ की, लेकिन उसकी रेशो अगर मैं यहाँ पे निकालूँ, यहाँ से निकाले तो हम बात एक ही है, ये जो आपकी रेशो है वो 2:1 रेशो है। 8 kg मटेरियल ए डलेगा, 4 kg मटेरियल बी डलेगा, तो 8:4 की रेशो में या फिर 2:1 की रेशो में मटेरियल को यूज़ होना चाहिए था। रियलिटी में आपने जो मटेरियल यूज़ किया, जितना भी मेटल यूज़ किया, ज़्यादा चलो 50 यूज़ किया, लेकिन होना तो उसे 2:1 की रेशो में चाहिए। अगर आपने 2:1 में इसको निकालूं, इसको 1250 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये वैल्यू आती है 833 केजीज, और दूसरे की वैल्यू आ जाती है 417 केजीज। मैं इसी चीज़ को एक नया नाम दे रहा हूँ, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और इसके अंदर 833 केजीज और 417 केजीज लिख रहा हूं इसके अंदर। ठीक है? हाँ जी, अब मैं इसको यहां पे मिटा देता हूं, मैंने डिटेल बना ली है। क्या इसका यूज है वो बता देता हूं। नया कॉलम बना लिया हमने, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, जो एक्चुअल यूज हुआ वो कंपनी के हिसाब से यूज़ होना चाहिए था। आप जितना मर्जी यूज़ नहीं कर सकते, आपको ये 1250 चलो यूज़ हो गया तो हो गया, लेकिन होना किस रेशो में चाहिए था, 2:1
वन की रेशो में होना चाहिए था, और 2:1 के हिसाब से ए प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी यूज होनी चाहिए थी 833 और बी की होनी चाहिए थी 417। अब आपको क्या करना है आगे के एनालिसिस में, क्वांटिटी के अंदर क्यों चेंज आया उसका एनालिसिस कर रहे ना, इसको दो बार कंपेयर करना है इन दोनों से और आपको दो अलग अलग वेरियंस मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं यील्ड की जो प्रॉब्लम आई, यील्ड की प्रॉब्लम जब भी आएगी तब आपकी आपने जो स्टैंडर्ड सोचा था और जो आपका रिवाइज स्टैंडर्ड है इसके अंदर जो डिफरेंस है वो आपका यील्ड का डिफरेंस है। आपने सोचा था क्या 1200 केजी में सामान बन जाएगा और यूज़ कितने करने पड़े 1250, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका यील्ड का डिफरेंस है, मतलब ये आपने जो प्रॉफिट जो प्रोडक्टिविटी के अंदर जो डेफिशिएंसी है उसका डिफरेंस है। एक छोटा सा आपको कंसेप्ट बता दूं कि जब आप इस साइड का एनालिसिस करेंगे तो सिर्फ क्वांटिटी का एनालिसिस करेंगे, रेट हमेशा 4 ही फिक्स रहेगा, चाहे आप यील्ड का एनालिसिस करें और चाहे आप आगे दूसरा एक होगा मिक्स उसका एनालिसिस करें, रेट आप नहीं बदल सकते। यहां पे आपने क्वांटिटी को फिक्स किया था, यहां पे आपने रेट को फिक्स कर लिया, तो आगे कोई सा भी इसका फर्दर एनालिसिस करें आपका रेट जो है वो 6 और 4 ही रहेगा, क्वांटिटी के अंदर फर्क हो सकता है बट रेट आपका चेंज नहीं होगा। यील्ड वेरियंस के अंदर बात करते हैं, हमें लगता था कि चलो 1250 ये सामान ये काम जो है वो 800 में हो जाना चाहिए, 800 केजी लगने चाहिए थे, लेकिन जो रिवाइज करने पर भी लगने चाहिए थे क्वांटिटी आपने फालतू यूज़ की उसके हिसाब से 33 यूनिट मोर आपको ज़रूरत इसके अंदर पड़ती, तो यहाँ पे आपका 33 क्वांटिटी आपने एक्स्ट्रा यूज़ की, एडवर्स तो होना ही है, अगर 1200 का 1250 हो गया है तो ये पक्की बात है आपका एडवर्स होगा और आपको माइनस में ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 33 यूनिट आपने ज़्यादा कंज्यूम कर लिया रिवाइज स्टैंडर्ड के हिसाब से, और ये अगर देखा जाए तो 33 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दूँ तो 198 यहाँ पे आपके लिए एडवर्स है। सिमिलरली यहाँ पे आपका 400 यूनिट में काम हो जाना चाहिए था और आपको रिवाइज स्टैंडर्ड के हिसाब से भी कितनी यूज़ करनी पड़ी 417, तो इसका मतलब 17 यूनिट यहाँ पे भी नेगेटिव है, 4 मल्टीप्लाई बाय 17 कर दे तो ये फिगर आ रही है 68 एडवर्स, दोनों को ऐड कर लेते हैं और दोनों को ऐड कर दे तो हो गया 266 एडवर्स। दूसरा इसमें रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो हो सकता है वो हो सकता है मिक्स। मिक्स का मतलब आपको चलो ठीक है 1200 के 1250 यूज़ करने पड़े लेकिन यूज़ तो आपको इस प्रपोर्शन में करने चाहिए थे ना 833 और 417, आपने ये प्रपोर्शन नहीं यूज़ किया उसकी बजाय आपने क्या कर लिया 833 की बजाय 750 यूज़ किए और 417 की बजाय 500 यूज़ किए, आपने जो मिक्स है वो बदल दिया, जो रेशो थी वो फॉलो नहीं की जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट पे फ़र्क पड़ा होगा। देखते हैं कितना फ़र्क हमारी ये क्वांटिटी को रेशो में नहीं फॉलो करने से फ़र्क पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं ए की, ए के लिए हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड था, जो रिवाइज स्टैंडर्ड था वो कहता था चलो 800 नहीं तो 833 पीस खरीदना, हमने 833 पीस नहीं खरीद के 750 पीस ही यूज़ किए, इसका मतलब यहाँ पे आपने कम क्वांटिटी यूज़ की आप फेवर में चले जाएंगे। जब आप किसी प्रोडक्ट को बनाने में कम रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे तो आपके लिए फेवरेबल है और अगर ज़्यादा मटेरियल यूज़ करेंगे तो एडवर्स है, तो 833 की बजाय 750 यूज़ करने का मतलब कितना 833 माइनस 750 पूरे 83 यूनिट का आपको एडवांटेज मिलेगा। बी के अंदर अगर देखें तो आपका रिवाइज स्टैंडर्ड कहता था 400 चलो छोड़ो 417 पीसेस में काम हो जाएगा, लेकिन 417 पीसेस के बजाय आपने कितने पीसेस डाल दिए इसके 417 की बजाय आपने 500 पीसेस डाल दिए, इसका मतलब यहाँ पे पूरे 83 आप इसके अंदर ये आपके लिए एडवांटेज था प्लस करना था, ये आपके लिए डिसएडवांटेज है, आपने ज़्यादा पीस कंज्यूम किए हैं इसलिए यहाँ पे माइनस लिखेंगे। एक चीज़ और बता दूं, जब भी आप ये मिक्स वेरियंस निकालेंगे इसमें क्वांटिटी का डिफरेंस हमेशा जीरो ही होगा, क्योंकि अगर आपने एक क्वांटिटी को कम यूज़ किया है तो ऑब्वियसली उतना ही दूसरी क्वांटिटी को ज़्यादा यूज़ करना पड़ा होगा। आपने 83 यूनिट अगर एक ही कम यूज़ किया है तो उतनी ही यूनिट किसकी यूज़ ज़्यादा की होगी, दूसरे रॉ मटेरियल की ज़्यादा की होगी, इसका हमेशा जो टोटल डिफरेंस है वो हमेशा जीरो होता है, मतलब क्वांटिटी के अंदर जो वेरिएशन है वो जीरो होते हैं क्योंकि एक का कम और एक का ज़्यादा होता है, तो जितना एक का हमने कम यूज़ किया उतना ही दूसरे का ज़्यादा यूज़ किया होगा, लेकिन रेट में फ़र्क होने के कारण वैल्यू हमारी जो है वो चेंज हो जाती है। 83 मल्टीप्लाई बाय 6 अगर मैं करूँ तो यहाँ पे 498 का मुझे मिला है एडवांटेज मिला है तो इसे बोलेंगे फेवरेबल है, और उसके बाद 83 मल्टीप्लाई बाय 4 अगर मैं करूँ तो ये 332 का मुझे डिसएडवांटेज हुआ है, मतलब एडवर्स हो गया।
अगर देखें एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 166 का फेवरेबल है। ये 498 रुपये मुझे फ़ायदा हुआ, 332 रुपये मुझे नुकसान हुआ, तब भी मुझे नेट प्रॉफिट हुआ, और जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो 166 का है। अच्छा, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 266 आपको आपके लिए नेगेटिव था, उसके अलावा 166 आपके लिए फेवरेबल था। ये आपके लिए एडवर्स है, वो आपके लिए फेवरेबल है। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा कि 100 जो वैल्यू हमने निकाली थी वही वैल्यू है। ये पूरा एनालिसिस करने के लिए हमने कोई फार्मूला नहीं किया, हमने सिर्फ लॉजिक लगाया। एक बार फिर से मैं रिवाइज कराता हूँ कि क्या लॉजिक लगाया। सबसे पहले हमने टोटल कॉस्ट डिफरेंस जाना। टोटल कॉस्ट डिफरेंस जो हमने जाना, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा बजट क्या कहता है। बजट ने बोला था क्या कि 800 केजी माल खरीदेंगे 6 रुपए के हिसाब से, और 400 केजी माल खरीदेंगे 4 रुपए के हिसाब से, वो हमने लिया। दूसरा, एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहे हैं टोटल वेरिएशन जानने के लिए, तो फिर एक्चुअल में क्या यूज हुआ उसकी बात की हमने। एक्चुअल क्वांटिटी को मैंने एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई किया दोनों बार, और मेरे पास टोटल डिफरेंस आ गया। फिर उसके बाद हमने इसके फैक्टर पर ध्यान दिया कि प्राइस कितना रिस्पॉन्सिबल है और इसकी क्वांटिटी कितना रिस्पॉन्सिबल है। प्राइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करने के लिए सबसे पहले मैंने अपनी क्वांटिटी को स्टेबल किया, क्वांटिटी पे फोकस किया कि कौन सी क्वांटिटी मुझे लेनी है। दो क्वांटिटी थी, एक्चुअल क्वांटिटी भी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी। स्टैंडर्ड तो एक्सपेक्टेड है, वो आपने किया ही नहीं है, इसलिए उसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर हमारे पर नहीं पड़ सकता। हम क्या करेंगे, हम एक्चुअल क्वांटिटी जो एक्चुअल परफॉर्म किया वो वाली क्वांटिटी ली हमने, और फिर प्राइस में कितना हमें कम या ज़्यादा देना पड़ा उसकी बात की है। हमें जो एक्चुअल हमने दिया वो 7 रुपये दिया, जबकि सोचा कितना था 6 रुपये, तो 1 रुपये फालतू दिया हमने, एडवर्स किया। ऐसे हमने बी के अंदर भी एडवर्स किया। क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी के अंदर हमने क्या किया, क्वांटिटी के लिए सबसे पहले प्राइस को हमने स्टेबल किया। प्राइस का स्टेबल करने का मतलब कौन सा प्राइस लेना होगा, स्टैंडर्ड प्राइस लेना पड़ेगा। स्टैंडर्ड प्राइस क्यों, क्योंकि एक्चुअल प्राइस तो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड प्राइस ले लिया, और अब हमारा फोकस क्वांटिटी के कारण आने वाला वेरिएशन था, इसलिए जो एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी था उसका डिफरेंस देखा। हमने सोचा था 800 केजी में काम हो जाएगा, हुआ 750 में, तो 50 का फ़ायदा हुआ, फ़ायदा हुआ मैंने प्लस में लिखा है। दूसरा, 400 सोचा था 500 में हुआ, 100 का नुकसान हुआ, एडवर्स हो गया, टोटल वैल्यू आ गई 100 नेगेटिव। फिर इसका फर्दर एनालिसिस किया। फर्दर के दो पार्ट होंगे, एक तो यील्ड, अगर आपकी एक्चुअल क्वांटिटी मोर देन स्टैंडर्ड क्वांटिटी है तो आपके लिए नेगेटिव यील्ड होगा हमेशा, और अगर आपकी एक्चुअल क्वांटिटी लेस देन स्टैंडर्ड क्वांटिटी है तो पॉजिटिव यील्ड होगा। इसके लिए हमें एक नया कॉलम भी बनाना पड़ा। हमने जितनी एक्चुअल क्वांटिटी थी उसको स्टैंडर्ड के अंदर कंपेयर किया, स्टैंडर्ड के अंदर कन्वर्ट कर लिया। कैसे, चलो 1200 का 1250 यूज हुआ, लेकिन 1250 रुपये स्टैंडर्ड के हिसाब से चलते तो कितना कितना यूज होना चाहिए था। इसका होना चाहिए था 833 और इसका होना चाहिए 417। इन्हीं क्वांटिटी को दोनों फैक्टर से अलग अलग कंपेयर करेंगे तो दो अलग अलग वेरिएंस आपके पास हो रहेंगे। एक बार हमने इन दोनों को कंपेयर किया, चलो ठीक है 800 की बजाय 833 फालतू हो गया, ये आपका यील्ड इफेक्ट है। 400 की बजाय 417 यील्ड इफेक्ट नेगेटिव है। और रेट इसमें ध्यान रखना है, इस जो भी पार्ट में एनालिसिस होगा उसमें रेट 6 और 4 ही रहेगा, चाहे जोन से मर्जी पार्ट में आप एनालिसिस करें, रेट आपका 6 एंड 4 ऊपर यूज हुआ था वही इस पार्ट में नीचे भी यूज होगा। फिर आपने इसको एक्चुअल क्वांटिटी से, पहले आपने इसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर किया, अब इसको आपने एक्चुअल क्वांटिटी से कंपेयर किया कि चलो 1250 की जगह, चलो 1200 की जगह 1250 यूज़ हो गया, बट होना तो 833 चाहिए था, आपने कितना यूज़ किया, आपने यूज़ किया 750, तो आपको 83 का एडवांटेज मिल गया, फेवर में आ गया। जितना इधर फेवर में आएगा डेफिनेटली उतना ही दूसरे का आपका एडवर्स इफेक्ट होगा। यहाँ पे आपने अगर क्वांटिटी कम यूज़ किया है तो यहाँ पे आपने क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ की होगी, उतनी ही क्वांटिटी मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अगर फार्मूले की बात करें तो फार्मूला यूज़ तो नहीं किया, बट अगर आप चाहें तो आप खुद से फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सबसे पहले एक्चुअल कॉस्ट निकाली है, तो मतलब एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्या क्या एक्चुअल रेट या एक्चुअल प्राइस, इधर क्या किया उसके बाद, फिर मैंने ये हमारी थी स्टैंडर्ड, पहले हमने स्टैंडर्ड लिखा था, तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। फिर हमने एक्चुअल भी पूछा उससे, एक्चुअल की क्या बात हुई, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हमारा फार्मूला प्राइस का है, प्राइस के हमने कौन सी क्वांटिटी ले रखी है, एक्चुअल क्वांटिटी ले रखी है, और उसके बाद किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
हम जो रेट में डिफरेंस था उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमने सोचा था 6 रुपये का सामान खरीदेंगे, खरीदना पड़ा 7 रुपये का, मतलब आपने जो आपका स्टैंडर्ड प्राइस था उसमें से एक्चुअल प्राइस को माइनस किया था। इसका क्या फार्मूला होना चाहिए? इसका फार्मूला होना चाहिए, सबसे पहले रेट स्टेबल किया था, रेट कौन सा लिया था हमने, स्टैंडर्ड प्राइस। उसके बाद क्वांटिटी का डिफरेंस था, हमने सोचा था काम 800 केजी में हो जाएगा, हुआ था 750 केजी में। तो इसका मतलब आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी उसमें से माइनस किया, क्या है माइनस आपने किया है एक्चुअल क्वांटिटी। इधर बात कर लेते हैं, इधर सबसे पहले हमने रेट स्टेबल किया था मतलब स्टैंडर्ड प्राइस, उसके बाद क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। क्वांटिटी हमने सोचा था ये काम जो है वो हमारा 800 केजी में हो जाना चाहिए, जबकि हमारा लगा कितना, स्टैंडर्ड रिवाइज करने से 800 की बजाय वो कितना बढ़ गया, 833। मतलब आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस किया है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। उधर बात करते हैं, रेट आपने स्टेबल किया था स्टैंडर्ड प्राइस, उसके बाद आपने रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी से कंपेयर किया था। आपको लगा था कि चलो बजट चेंज भी हो गया तो 833 यूनिट लगने चाहिए, लेकिन लगे कितने, 750। मतलब आपने रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से कौन सी क्वांटिटी माइनस की थी, एक्चुअल क्वांटिटी। नोटिस करेंगे तो पता चलेगा कि फार्ले मैंने सॉल्यूशन के बाद लिखे हैं, फार्ले कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो फार्मूला आप अपने से जनरेट कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि एनालिसिस कैसे कैसे करना है, एनालिसिस के क्या पार्ट हैं। कभी भी आप एनालिसिस करेंगे, ये 5 फैक्टर अगर आपके सामने हैं तो कोई सा भी मटेरियल का एनालिसिस, कैसा भी एनालिसिस आपको करेंगे, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कंप्लीट है।